प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष पूरे होने पर जिला भाजपा ग्रामीण क्षेत्र में सेवा सुशासन व गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाएगा। 30 मई से 14 जून तक विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 8 वर्ष या भारतामध्ये पंतप्रधान पदाला झालेले आहेत आणि या पंतप्रधान पदाच्या 8 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांनी या देशातल्या गोरगरीब जनतेच्या कल्याणाकरता, या देशातल्या शेतकऱ्यांकरता, या देशातल्या शेतमजुरांकरता, या देशातल्या अल्पसंख्याकांकरता, या देशातल्या अनुसूचित जातीच्या लोकांकरता, या देशातल्या अनुसूचित जमातीच्या लोकांकरता, या देशातल्या शेतकऱ्यांकरता ज्या ज्या योजना आणलेल्या असतील त्या त्या संपूर्ण योजना खऱ्या अर्थाने लोकांपर्यंत पोहोचल्या किंवा नाही याचा सुद्धा अभ्यास आम्ही या गरीब कल्याण जो आमचा हा पखवाडा आहे म्हणजे पंधरवाडा आहे या माध्यमातून आम्ही तो पूर्ण जिल्ह्यामध्ये राबवणार आहोत। या योजनेच्या माध्यमातून आमची आणि या आमच्या अभियानाच्या माध्यमातून ज्या योजना गरिबांपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत त्याचा फायदा गरिबांना झालाच आहे, परंतु काही कारणामुळे समजा काही आमचे बांधव या योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहिले असतील त्यांच्यापर्यंत सुद्धा या भारतीय जनता पार्टीच्या समस्त कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून आम्ही एक अभियान या अभियानाद्वारे संपूर्ण जे वंचित असतील त्या संपूर्ण लोकांना याचा फायदा मिळाला पाहिजे, त्याकरता आम्ही संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये एक अभियान सुरू केलेलं आहे। जो गरीब मजदूरों के लिए उन्होंने जनकल्याण योजना लाई है, अनेक घरकुल योजना लाई है, जनधन योजना लाई है उन्होंने, उज्ज्वला गैस योजना लाई है, अनेक योजना उद्योग बेरोजगार के लिए उद्योग की योजना लाई है। ये सभी जनता के जो उनके स्वयं रोजगार योजनाओं का भी लाभ जनता तक पहुँचे और उद्योग और देश की GDP बढ़े, इस दृष्टिकोण से उन्होंने देश के कल्याण के लिए 8 वर्षों में अनेक योजना देश के कल्याण के लिए उन्होंने बढ़ाई है। मैं उनके सहयोगी सभी मंत्रियों को, हमारे नागपुर के सड़क निर्माण मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने जो देश में जाल बिछाया हुआ है और विकास के लिए और लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने जो काम किया है, इसी तरह से मोदी जी ने पूरे देश के चारों दिशा में काम किया, उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसी दृष्टि से हमारे नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के हमारे 2300 बूथ हैं, वो बूथ तक हमारे जन कल्याण योजना जो राष्ट्रीय जो योजना है वो वहाँ तक पहुँचे,